अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला बखर तहसील दरिया ख़ान से है और आज से चंद माह पहले, तकरीबन 10 से 11 मंथ पहले, मैंने मोहम्मद कासिम भाई के ड्रीम के बारे में सुना था और मैंने सुना को अनसुना कर दिया, मतलब तवज्जा नहीं दी उन पे और छोड़ दिया। अभी तकरीबन 2-1 मंथ पहले फिर मैंने उनके ड्रीम के बारे में सुना और फिर उनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया और फिर उनके ड्रीम के बारे में देखना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, और जो उनके ग्रुप में आता वो तवज्जो से सुनता, और अल्लाह से दिल में ये दुआ थी कि अल्लाह इसमें जो हकीकत है वो मुझे उस तक पहुंचा और हकीकत दिखा। अभी चंद दिन पहले मैं उठा, तकरीबन 4 बजे अजानें हो रही थी, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे नींद सी आई। नींद आई तो मैं देखता हूँ कि हमारे मुल्क में ना बहुत हालात ख़राब हैं और इमरान ख़ान के जगह जगह जलसे हो रहे हैं और इमरान ख़ान उसमें कह रहे हैं कि मैं इस मुल्क में आ गया तो दोबारा हुकूमत में आ गया तो मैं इधर शरीयत नाफिज करूँगा और इस्लामी कानून नाफिज करूँगा, और वहाँ से मैं आगे चलता हूँ तो देखता हूँ कि आगे कासिम भाई आते हैं, पता नहीं किसी गाड़ी में होते हैं या रिक्शे में होते हैं, समझ नहीं आती होती क्या चीज़ है। तो वो मुझे कहते हैं उस्मान चलो हमने चलना है, तो हमारे मेरे दिमाग में होता है कि हम मक्के की तरफ जा रहे हैं या मक्के जा रहे हैं, और उसी के साथ मैं देखता हूँ कि उनके साथ ना कोई कुत्ता है, जैसे वो सूरह काफ़ में असहाबे काफ़ के साथ एक कुत्ता था, तो इसी किस्म का दिमाग में चल रहा होता है जैसे उनके साथ एक था, हमारे साथ भी वैसा ही ये कुत्ता है। तो हम चलते हैं और चले जाते हैं और एक जगह पहुँच जाते हैं, ऐसे महसूस होता है कि हम खाना काबा के आसपास हैं, कोई जगह है जहाँ ऐसे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जैसे बाथरूम से होते हैं, तो हम उसमें छुपे हुए हैं। कासिम भाई ऐसे देख रहे हैं कि कोई पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे उन पे बैत करना चाहते हैं और उन्हें मिलना चाहते हैं, तो वो उनसे छुप रहे होते हैं। और मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे हजूर पाक हिजरत करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे थे और वो और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ार में छुपे हुए थे और पीछे लोग थे, ऐसे ही उधर जब हम खड़े होते हैं मुझे ऐसे फील होता है कि हमारे साथ वैसा ही कुछ होने वाला है। और हमारे दिमाग में ऐसे होता है कि हमने खाना काबा की दीवार के पास जा के ना रुकना है, और ऐसे ही मैं देख रहा होता हूँ कि अचानक मेरी आँख खुल जाती है और इससे मुझे इस बात पे यकीन हो जाता है कि जो भी उनके ख्वाब हैं वो सारे हकीकत हैं, और मुझे कासिम भाई के ख्वाबों पे फुल यकीन है और मुझे उनके ख्वाबों पे फुल यकीन है कि वो उनके ख्वाब सच्चे ख्वाब हैं। माशाल्लाह, जहाँ जहाँ में इससे ये पता चल रहा है कि कासिम भाई ही इमाम मादी होंगे, वहीं हमें ये भी पता चल रहा है कि जिसने उनका साथ देना है और उन्होंने ख़ुद भी उन्होंने उनको असहाबे कहफ़ की तरह अल्लाह की हिफाजत में आने की ज़रूरत है, यानी कि सूरह कहफ़ की तलावत का एहतमाम करें, और क्योंकि दज्जाल दज्जालियत का भी दौर है, इसके फ़ौरन बाद दज्जाल ने भी आना है, तो सूरह तो कहफ़ जो है वो सब लोग उसका एहतमाम करें, जुमे वाले दिन तो ख़ास करें लेकिन आम दिनों में रोज़ाना भी सूरह काफ का पहला रुकू और आखिरी रुकू एहतमाम के साथ ख़ुद भी पढ़ें, घर वालों को भी पढ़ाएं, घर में ऊंची आवाज़ से लगाएं भी और बच्चों को पढ़ के दम भी करें। अल्लाह ताला हम सबको अहले हक में से रखे। अवैस नसीब बोल रहा हूँ मैं।